नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज और आज मैं सीरियल 2021 का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करूंगा। ये पेपर 13/8/21 को हुआ था और हम उसकी सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसे पूछा गया कि अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको। अप्रोप्रिएट एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है। चलिए देखते हैं इसे। पहला वर्ड दिया हुआ, पहले देखते हैं कि बताना किसका है। पहला वर्ड दिया हुआ है, यह है प्यूट्रीफाई, इसका मतलब होता है किसी चीज का सड़ना, गलना, बेकार होना। और डीकम्पोज का मतलब होता है डीके, डीके होना। डीकम्पोज का मतलब भी डीके होता है, गलना, किसी चीज का सड़ना। कंटेमिनेट का मतलब दूषित होना होता है, दूषित, इम्प्योर होना, या इम्प्योर कह सकते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद होगा, बर्बाद हो जाना। और कंबाइन का मतलब होता है जुड़ के कोई चीज बनना। देखिए कंबाइन का मतलब होता है मिलकर आकर जुड़ना, इसका मतलब होता है प्यूट्रीफाई का सड़ना, गलना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन अपना, कंबाइन। ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें वन वर्ड सब्जेक्शन का एक वन वर्ड सब्जेक्शन दिया हुआ है, तो उसमें देखना है कौन सा इसका ऑप्शन आएगा सही। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, एक खुद खुद के द्वारा जो शासन किया जाता है, खुद के कंट्री के द्वारा और उस रीजन के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए अनार्की का मतलब होता है अराजकता, मतलब शासन कोई कर ही नहीं रहा, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। ऑटोनॉमी का मतलब होगा खुद के द्वारा, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, नॉमी का मतलब होगा एक सिस्टम, ऑटोनॉमी मतलब खुद के द्वारा शासन करना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन तो कट जाएंगे। साथ ही मैं इनका मतलब बताता हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब होगा प्रजातंत्र, जब लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा उसे बोलते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र, तो बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। मोनार्की का मतलब होगा राजा या राजतंत्र, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। मोन का मतलब होता है जो वर्ड लिखा होता है, मोन का मतलब होता है सिंगल, वन। और जितना भी वर्ड के पीछे आर्की लगा होता है इसका मतलब होता है सिस्टम, ये बेसिकली गवर्नमेंट को बताता है, गवर्नमेंट को बताता है। जैसे डेमोक्रेसी, मोनार्की, अनार्की। अनार्की का मतलब ए, एन का मतलब यहाँ पे नॉट हो जाएगा, एन का मतलब यहाँ पे होगा नॉट। और ए जो फिर से वही आ गया, ए आर सी एच वाई, इसका मतलब होगा गवर्नमेंट। तो कोई गवर्नमेंट नहीं तो उसे उसे बोलते हैं अनार्की, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं, अराजकता वहां पर है। और मोनार्की का मतलब वहाँ पे सिंगल, मोन का मतलब होगा सिंगल, मतलब आर्की का मतलब होगा गवर्नमेंट। तो सिंगल एक राजा के द्वारा वहां पे गवर्नमेंट चल रही है, इस तरह से आप ये समझ जाएंगे इन वर्ड्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। इज ही ऑल राइट नाउ, आई आस्क माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड, मैंने अपनी पड़ोसी की वाइफ से पूछा कि उसका हस्बैंड मिस्टर गुलियानी अब वो ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस में पूछा गया। देखिए यहाँ पे आई आस्क, मैंने पूछा, पास्ट में है, तो देखते हैं आई आस्क, और सिंपल सेंटेंस है, नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं, आई आस्क मिस्टर मिसिस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ If her husband was all right then, ये इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है, अभी देखते हैं इसे। ये इसका आंसर हो सकता है, नेक्स्ट को देखते हैं, सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, I asked Mrs. Gulyani, my neighbor's wife, if her husband is all right. देखिए पास्ट में पूछा गया तो पास्ट में जवाब देना पड़ेगा, तो इसमें तो प्रेजेंट में है, इज ऑल राइट, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है, आई आस्क मिसेस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ, मेरे पड़ोसी की जो पत्नी उससे पूछा, इफ हर हर इफ योर हस्बैंड नहीं, योर हस्बैंड नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, हर हस्बैंड आएगा। विल भी, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, विल देखिए आ गया, पास्ट में जवाब देना, और हम यहाँ पे विल यूज कर रहे हैं फ्यूचर, नहीं ये नहीं हो सकता। ऑल राइट नाउ का देन बन जाता, तो नाउ यहाँ नाउ यूज करके ये भी नहीं होगा। आई आस्क मिसेस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ इफ हर हस्बैंड हैड बिकम, ये तो गलत, बिल्कुल ही गलत है। तो पहला जो ऑप्शन है अपना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, डेडिकेटेड एक वर्ड दिया हुआ है, उसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है डेडिकेटेड का। देखिए डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना किसी चीज के लिए। तो बोरिंग, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो कट जाएगा। बोरिंग का मतलब होता है कि एकदम डियरी, डल, नीरस कह सकते हैं। कमिटेड का मतलब समर्पित है, ये इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। टीडीएस, टीडीएस का मतलब भी होता है नीरस, उबाऊ, बोरिंग जो होता है, ये भी नहीं होगा। डीआरई का मतलब भी होता है बोरिंग, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कमिटेड, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
इनका क्लीस बेल्ट वर्ड पूछा गया। यहाँ पे पहला वर्ड दिया हुआ अलावेंस। अलावेंस का मतलब होता है स्वीकृति देना या अनुमति देना, और इसकी जो स्पेलिंग है बिल्कुल ठीक दी हुई है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। बोरो, बोरो का मतलब उधार लेना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब होता है कि चीजों को एक सिस्टमेटिकली तरीके से बांटना। अलॉटमेंट की जो स्पेलिंग है वो होती है ALOALLOTMENT, अलॉटमेंट, ये स्पेलिंग होती है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे डबल टी नहीं आएगा और बल्कि यहाँ पे डबल एल आएगा, ये गलत है, यही इसका आंसर है, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। टेररिज्म का मतलब होता है एक तरह से आतंकवाद, तो ये जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यह है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया कि पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाना है। एक्टिव वॉइस क्या दिया हुआ, द सन रेज बर्न माई फेस। देखिए पास्ट में है तो पास्ट में हमें जवाब देना पड़ेगा, जितने भी ये जो प्रेजेंट वाले हैं सबको काट देंगे। तो देखिए इज आ गया, प्रेजेंट में नहीं होगा ऑप्शन, ये भी फेस इज बीन ये भी नहीं होगा, माई फेस हैज बीन ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा फर्स्ट की, बहुत आसानी था। और इसका मतलब है कि सन रेज ने उसका चेहरा जला दिया, तो क्या होगा, माई फेस, ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें वो होगा माई फेस, तो माई फेस यहाँ शुरुआत करेंगे माई फेस, और जला किसके द्वारा गया, सन रेज के द्वारा, तो वॉज बर्न का बर्न रहेगा थर्ड फॉर्म में, बाय द सनरेज, सनरेज के द्वारा जल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया फिल द ब्लैंक्स भरना है। द इंटरव्यूअर आस्क गौतम, जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने पूछा गौतम से, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो व्हाट यू आर इन लाइफ आर, तुम्हारे डैश दिया हुआ उसमें भरना हमें। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय, ये तो दृढ़ निश्चय तो होगा नहीं, कि दृढ़ निश्चय क्या है तुम्हारे लाइफ में, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्रिवल्टीज मतलब होता है, फ्रिवल्टीज का मतलब होगा चपलता तरीके कह सकते हैं, या कि प्लेफुलनेस, इसका मतलब होता है बेसिकली प्लेफुलनेस, किसी चीज को सीरियसली ना लेना, प्लेफुलनेस, ये तो बिल्कुल भी इसमें कहीं से कहीं तक भी नहीं लग गया, ये तो आ ही नहीं सकता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। फ्रिवल्टीज का मतलब होता है तुच्छता, किसी चीज का बहुत डल बेकार चीज होना, तो ये तुच्छता, इसका तो ये तो नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है अपनी लाइफ में, तो ये इसका सही आंसर होगा। एस्पिरेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉन्ट टू बिकम समवन या समथिंग, या टू गेट समथिंग, तो ये इसका आंसर होगा एस्पिरेशन। बहुत तीव्र इच्छा होना किसी चीज को पाने की या कुछ करने की या कुछ बनने की, उसे बोलते हैं एस्पिरेशन। इसी से एक वर्ड बनता है एस्पायरेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन में पूछा गया, फिर से वन वर्ड सबमिशन आ गया। अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड, जहाँ पे सिक्के ढलते हैं या मेडल ढलते हैं या टोकन ढलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए कास्टिंग का मतलब होता है जब हीरो या हीरोइन को जो पहली उसकी जो शूटिंग होती है जब छांटने के सिलेक्शन के लिए, उसे बोलते हैं कास्टिंग, ये तो नहीं होगा। या ढलाई करना किसी चीज़ की, धातु वगैरह की, उसे कास्टिंग बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। तो मिल, मिल का मतलब होता है जैसे कि ट्रेडमिल हो गया, फ्लॉर मिल हो गया, या फैब्रिक मिल हो गया, उसे बोल ये बोलता है मिल, ये उस मिल का मतलब है, ये भी नहीं होगा। मिंट का मतलब वही होता है टकसाल, जहां पर ये सब धातुओं को ढाला जाता है, मिंट उसे बोलते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। वर्कशॉप का मतलब था कार्यशाला, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, जैसे कार वर्कशॉप और वर्कशॉप, काम करने की कोई जगह स्थल उसे बोलते हैं वर्कशॉप, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, मिंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में पूछा गया कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा प्रॉम्प्ट का। देखिए प्रॉम्प्ट का मतलब बहुत तेज, एकदम तुरंत, तो क्विक ये इसका सिनोनिम हो सकता है, बिल्कुल सही। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे होगा, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। स्लो का मतलब भी धीमा होता है, लेंथी का मतलब बहुत लंबा, तो ये भी इसका आंसर कहीं से कहीं तक भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट प्रॉम्प्ट का क्विक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्वेश्चन नंबर टेंथ में पूछा गया कि ग्रामेटिकल एरर जहाँ पे है वहाँ पे हमें स्पॉट करना है। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। देखिए जो लकड़हारा था उसने गिराए कुछ पेड़ बिल्कुल भी बहुत सारे एफर्ट करते हुए, ये इसका मतलब वाला जो लिटरल मतलब है इसका, लेकिन ये गलत है। हार्डली के हार्डली जो है कि नेगेटिव सेंस को देता है, ये एक नेगेटिव सेंस को देगा, तो इसके साथ में मैनी तो बिल्कुल भी आ सकता है, एक पॉजिटिव सेंस को देगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसके साथ में क्या आएगा, हार्डली एनी आएगा या हार्डली नो आएगा, देखते हैं। यहीं पर इसमें गलती है, हार्डली मैनी के साथ में गलती है, यहाँ पर आएगा हार्डली एनी या नो, ये नो एफर्ट आएगा या एनी आएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ये हार्डली के बाद मैनी एफर्ट, ये जो आंसर है इसका थर्ड वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा, यही पे गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर इलेवन में पूछा गया
कैन, इसमें पूछा है कि सबमिशन जहां पे भी आपको गलती लगती है उस पार्ट को आपको रिप्लेस करना सही पार्ट से। चलिए देखते हैं। कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज द टीचर आस्क द क्लास। देखिए, एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि क्या आप मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो क्लॉज, देखिए क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, ये होता है उपवाक्य, और सबऑर्डिनेट का मतलब होगा जो अधीनस्थ, मतलब जो डिपेंड करता है दूसरे वाक्य पर, जिसका अपना कोई मतलब नहीं निकल सकता जब तक कि वो पहले वाले मतलब पे हम लोग बात ना कर चुके हों। तो देखिए, सम फ्यू एग्जाम्पल तो इसका आंसर नहीं हो सकता, गलती तो यहां पर है ये, तो सम फ्यू एग्जाम्पल, बहुत कम एग्जाम्पल नहीं, ये तो गलत है। सम मोर एग्जाम्पल, हाँ ये आंसर हो सकता है। सम मैनी एग्जाम्पल, ये तो हो ही नहीं सकता, सम मैनी एग्जाम्पल मैंने तो यहाँ पर पहले से दिया हुआ। नो सब्स्टिट्यूशन इसमें आने से गलती है, तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला, सम मोर। कुछ और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि एक ए बी सी डी दिया हुआ है और ये जम्बल्ड है, और हमें आप इन्हें कोहरेंट मैनर में लगाना है ताकि एक अच्छा मतलब निकल पाए। पहले सेंटेंस को देखते हैं। एक्सीलेंटली वेल सेट सी, वी हैव एवरीथिंग दैट वी वॉन्ट, आई हैव बट वन प्रेयर दैट वी मे हैव अ हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर और प्लांट्स। उसने कहा बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा है, हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए, बस सिर्फ एक चीज की कमी है, उसके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। हमारी एक इच्छा है, प्रार्थना है कि बहुत तेज बारिश पड़े ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हें पानी मिल जाए। अमैन, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। अमैन, एक व्यक्ति हु हैड टू डॉटर्स मैरिड, वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पोर्टर। एक आदमी जिसके पास दो लड़कियां थी, उसने एक की शादी तो गार्डनर से करा दी, दूसरी की शादी पोर्टर से करा दी। गार्डनर का मतलब होता है जो माली होता है, और पोर्टर का मतलब जो कुम्हार जो घड़े वगैरह बनाता है उसे बोलते हैं। तो देखिए, ये इसका लग रहा है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया एक आदमी का, उसके बाद दो लड़कियां थी, तो ये पहला हो सकता है। आप देखते, दूसरा, ऑफ ही वेंट टू द पोर्टर्स होम एंड आस्क हिज अदर डॉटर हाउ मैटर्स वर विद हर। वो गया अपनी लड़की जिसकी पोर्टर्स के साथ जिसकी शादी की थी, तो उसके घर गया और उसे पूछा कि सब कुछ कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा था। तो आप देखिए, ये तो हो नहीं सकता सेकंड, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट तो यही होगा अपना अभी। उसके बाद देखते हैं डी। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, ही पेड विजिट टू गार्डनर्स होम। टू गार्डनर्स होम एंड आस्क हिज डॉटर हाउ सी वॉज एंड हाउ इट फेयर्ड विद हर। उसके बाद कुछ समय के बाद वो गया अपनी लड़की के यहाँ, जिसकी शादी गार्डनर से साथ की गई थी, और उससे पूछा हालचाल उसका, सब कुछ कैसा चल रहा है। तो देखिए, दूसरा जो होगा ऑप्शन यही हो जाएगा अपना, दूसरा ये हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा। तो देखते हैं बी डी किस में है, बी डी सिर्फ एक में, ये अपना आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब कट जाएंगे, ये सब आंसर नहीं हो सकते, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी लड़की के घर गया, और उसकी पहली लड़की ने बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें सिर्फ बारिश की जरूरत है ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हें बारिश मिल जाए, पानी मिल जाए। और फिर उसके बाद वो सी, दूसरी लड़की घर गया, उससे उसका हालचाल पूछा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया इडियम्स। देखिए, टू वॉक ऑन एयर, टू वॉक ऑन एयर का मतलब होता है बहुत खुश होना, तो टू टू फील वेरी डिप्रेस, दुखी होना बहुत ज्यादा, नहीं ये तो नहीं होगा। टू बी कंप्लीटली फ्री, बिल्कुल एकदम मुक्त होना, फ्री होना, नहीं ये भी नहीं होगा। टू बी वेरी हैप्पी, हाँ यही इसका आंसर होगा, ये तो इसका आंसर। टू बी वेरी रिच, बहुत अमीर होना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखिए, ग्रीवियंस की स्पेलिंग है बिल्कुल, ग्रीवियंस की जो स्पेलिंग है बिल्कुल ठीक दी गई है। इसका मतलब होता है एक तरह की रंजिश, या एक तरह का कह सकते हैं कि शिकायत, शिकायत इसका मतलब होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेजर की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल गलत रखी है, इसका मतलब होता है फुर्सत। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती LEI और LEISURE, इसकी स्पेलिंग होती है। सीज, सीज की जो स्पेलिंग होती है, सीज की स्पेलिंग जो बिल्कुल ठीक दी हुई है, इसका मतलब जब्त करना। और सिंसियर की मतलब होता है एकदम ईमानदार, एकदम कर्मठ कह सकते हैं, तरह से जो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रखता है उसे बोलते हैं निष्कपट, जो कह सकते हैं जो है एक तरह का सिंसियर उसे बोलते हैं, लॉयल, एक लॉयल व्यक्ति को बोलते हैं सिंसियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड वाला, लेजर, ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन कट जाएंगे, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि जो भी इस क्वेश्चन में गलती है उसे स्पॉट करना। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। जो नदी है, लगता है इसका नाम जो है वो जो पास ही का जो कस्बा है उसके नाम पर पड़ा है।
तो पहला जो पार्ट है बिल्कुल ठीक है, गॉट इट्स नेम, गॉट इट्स नेम ये बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम द टाउन नियर बाई ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नोएल, कोई गलती नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये जंबल सेंटेंस आ गए, उसके ऊपर है क्वेश्चन। पहले को देखते हैं, व्हाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर डे वो एज इट इज ऑल्सो नोन सी अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज इन द कंट्री एज वेल एज इन नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। जो इंडिया है वो 75% उसमें टाइगर रहते हैं, और जो ग्लोबल टाइगर डे है वो मनाया जाता है उस वो जस्ट अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है, और इंडिया में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, जो नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश और नेपाल में मनाया जाता है। दूसरा सेंटर देखते हैं, ये तो नहीं हो सकता, ये देखते हैं, ये नहीं हो सकता। पहला इट्स प्राइमरी, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब देखते हैं, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इज टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर। और जो जो ग्लोबल टाइगर डे है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो गोल है वो क्या है कि जो जो हैबिटेट है किसका, नेचुरल हैबिटेट टाइगर का है, उसे बचाना। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो शुरू किया गया था 2010 में, और सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुआ था जब टाइगर समिट हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो, जो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, मतलब ये पहला सेंटेंस फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, दिस एनुअल, इसी एनुअल की बात कर रहे हैं, इसी की, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 29 जुलाई एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए एम किया गया है, गोल इसका यही है। तो ये दूसरा हो जाएगा। तो सी डी देखते हैं, सी ओ डी, तो सी डी किस किस में, ये गलत, ये नहीं होगा आंसर, डी सी नहीं होगा, सी ए भी नहीं होगा, तो सी डी सिर्फ एक में, इसके ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल का मतलब होता है कि एकदम शांत होना, तो टू काम डाउन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी टू गल्प डाउन, टू गल्प अ टैबलेट फॉर अ कोल्ड, ठीक है, टू गल्प का मतलब होता है निगलना, और टैबलेट निगलना किसके लिए, जुकाम के लिए नहीं है, तो इसका आंसर नहीं होगा। टू ड्रिंक कोल्ड वाटर ठंडा पानी पीना, ये भी नहीं होगा। टू आस्क डॉक्टर फॉर मेडिकेशन, दवा के लिए पूछना डॉक्टर से, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीनों आंसर नहीं होंगे, फोर्थ वाला इसका आंसर होगा टू काम डाउन, शांत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया होप, होप का एंटोनिम बताना है। होप का मतलब था उम्मीद, आशा, एक्सपेक्ट करना कुछ, चांस, देखिए चांस तो इसका आंसर कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। चांस का मतलब था अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी। करेज का मतलब था साहस देना या हिम्मत दिखाना या ब्रेवरी, उसे करेज बोलते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्टिमिज्म का मतलब था कि सब सब कुछ पॉजिटिव नजरिए से देखना, हर चीज को एक आशा पूर्व आशा की किरण की तरह देखना, उम्मीद देखना, उसमें कुछ भी नेगेटिव ना देखना, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डाउट, हर चीज को डाउटफुली देखना। ये होप का जो होगा उल्टा होगा, वो हो जाएगा डाउट, ये इसका आंसर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा या कुछ गलती है उसे रिप्लेस कीजिए। फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्रिवन अप द प्राइसेस। जो बहुत कड़ा मुकाबला हो रहा है जो होटल्स के बीच में, उसने क्या कर दिया, रेट को बढ़ा दिया, मूल्य को बढ़ा दिया। देखिए अलोंग, अलोंग तो बिल्कुल ठीक है, अलोंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अगेंस्ट में पूछा गया, तो यहाँ पे गलती है। तो पहला जो हुआ वो नो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि गलती है, अलोंग बिल्कुल नहीं आएगा, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, ये तो नहीं आएगा। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, ये भी नहीं आएगा। अमंग के बीच में, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, तो विरुद्ध तो यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अमंग आएगा क्योंकि होटल्स के बीच में क्या कंपटीशन है, बहुत कड़ा कंपटीशन है, इसलिए अमंग इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में फिल द ब्लैंक्स है, उसे भरना है। तो हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डैश हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। जो मदद थी जो मेरे रिश्तेदार की तरफ से मुझे मिली, वो क्या किया उस डिफिकल्ट टाइम में, उसने क्या किया होगा, उसे अलाउड किया होगा, नहीं अलाउड का मतलब नहीं, अप्रूव किया होगा, नहीं पास किया, सफल किया होगा, नहीं सपोर्ट किया उसे, सपोर्टेड, यहाँ पे आंसर होगा सपोर्टेड, सपोर्टेड किया उसे उसके मुसीबत के समय में, तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया फिर क्लोज टेस्ट। देखिए क्लोज टेस्ट, पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, फिर से आराम से हम लोग करेंगे। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद डैश अदर, इट इज इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन ऑफ योर इंग्लिश लेवल, द ट्रूथ इज यू कैन ऑलवेज, यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश नो डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। देखिए पहले को देखते हैं, कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद,
जो लोग हैं ये कनेक्शन के ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा सेंटेंस, ये पूरा पूरा पैसेज दिया हुआ है। और पहला जो सेंटेंस है उसमें पूछा गया कि इसमें यहाँ पे विद के साथ में क्या आएगा, बताइए कम्युनिकेशन लोग किसके साथ में करते होंगे, पीपल, पीपल किस साथ में करते हैं, विद, यहाँ पे अदर लिखा हुआ है, अदर मतलब क्या आएगा, एवरी अदर, एवरी अदर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है ईच अदर, हाँ ये ठीक हो सकता है, तो ईच अदर इसका आंसर हो सकता है। सम अदर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, वन अदर, देखिए वन अगर वन के साथ में अगर वन और अनदर होता तो शायद हो सकता था आंसर ये वाला होता, लेकिन वन के साथ में अनदर कभी नहीं आता, यहाँ पे हिंट दिया हुआ पहले अदर आता है, तो क्या होगा इसका आंसर होगा ईच अदर। आपस में एक दूसरे से वो लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, और ये आम जिंदगी में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आम जिंदगी में बहुत जरूरी है, कब कहाँ पर, फ्रॉम वर्क, फ्रॉम का मतलब होता है किसी, फ्रॉम जो है सेपरेशन को बताता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑन, ऑन का मतलब होता है एक कनेक्शन, क्लोजनेस को बताता है, जैसे ऑन द टेबल, जब बॉटल इज ऑन द टेबल, इस तरह से, तो ये भी यहाँ पर ऑन वर्क नहीं आएगा। एट वर्क यहाँ पे आ सकता है, एट वर्क यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये आएगा, एट वर्क, एंड नियर बाय, एंड नियरली एनी टाइम, और किसी भी समय, यू इंटरेक्ट विद अदर, अब देखिए अदर आप किसी भी समय पर क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं दूसरे लोगों से, वाइल ये तो नहीं है, अब दूसरे लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, क्या आएगा दूसरे में, दूसरे में पीपल ही आएगा। इसमें कौन कौन से ऑप्शन है जरा देखते हैं इसे, पहले में दिया गया क्रिएचर, देखिए क्रिएचर का मतलब जीव होता है, तो जीवों से तो नहीं करेंगे आप, नहीं ये तो ये नहीं होगा, पीपल से करेंगे, हाँ तो इसका आंसर जो होगा पीपल हो जाएगा यहाँ पर, वंस, वंस नहीं आएगा, एनिमल्स, आप एनिमल्स के साथ कहाँ कुछ बातचीत करेंगे, नहीं, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पीपल। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन, जो कम्युनिकेशन के लिए जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा, मुद्दे जो होते हैं ऑफ योर इंग्लिश लेवल, बिसाइड, आप देखते जरा डैश को, बिसाइड, बिसाइड का मतलब की बगल में, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, सिंस, चूंकि, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज आएगा, बिकॉज आएगा इसका आंसर होगा थर्ड, अबाउट भी नहीं आएगा, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज क्योंकि ऑफ योर इंग्लिश लेवल, क्योंकि आपका जो इंग्लिश लेवल है उसकी वजह से नहीं होते ये मुद्दे, ठीक है। अब रियलिटी क्या है, द ट्रूथ क्या है, द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, रियलिटी यह है कि आप जान, यू, तुम जान सकते हो कि इंग्लिश कैसी बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ, देखिए लैकिंग का मतलब होता है कम होना, कभी किसी कमी होना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर लैकिंग नहीं आएगा, लैकिंग नो, विदाउट का मतलब होता है, हाँ विदाउट इसका आंसर हो सकता है, तो विदाउट, बिना जाने, बिना जाने हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बिना जाने कि इंग्लिश में कैसे बातचीत की जाती है। माइनस का मतलब घटाना होगा, डिवाइड का मतलब होगा अनुपस्थिति या प्रेजेंट ना होना किसी चीज का, इसका जो आंसर होगा वो होगा विदाउट। तो इस तरह से ये खत्म हो गई, 25 क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया और बहुत ही ईजी शिफ्ट थी इंग्लिश की। तो इसी के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या आपको थोड़ी सी मदद मिलती है इस चैनल के माध्यम से, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।